इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बताने की बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, रेवाड़ी से बड़ी खबर है। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला हो गया है। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने यह हमला किया है। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। हमला करने वाले एक बदमाश की पहचान कर ली गई है। डीएसपी ने मौके का जायजा लिया है। तो आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर धावा बोल दिया और ऐसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। लाठी डंडों से लैस थे ये बदमाश, जिसके बाद एक बदमाश की पहचान यहां पर कर ली गई है। इसकी तलाश अब लगातार पुलिस कर रही है। डीएसपी ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। फिलहाल आपको बताने कि घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, रेवाड़ी में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर लाठी डंडों से हमला। देखिए तस्वीरें आ गई है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जिसमें तोड़फोड़ कर दी गई है। लाठी डंडों से लैस ये बदमाश पहुंचे थे और कई कांच भी यहां पर तोड़ दिए हैं। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने हमला किया है जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है और पत्थर भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। देखिए सीसीटीवी फुटेज है, जो बाहर कैमरा लगा था उसकी फुटेज आप देख पा रहे हैं। 3 से 4 बदमाश थे, डंडे और पत्थर लेकर ये पहुंचे थे। खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला कर दिया गया है, पूरा घटनाक्रम क्या है? जी आपको बता दें कि जिस तरह से कई गाड़ियों में सवार होकर बदमाश पहुंचते हैं और एक दर्जन से अधिक बदमाश पहुंचते यहाँ पर घुसते, दो यहाँ पर युवक बैठे हुए थे प्रॉपर्टी डीलर जो सोसवाल चौक स्थित है, जो कि सबसे व्यस्तम चौक माना जाता है। दिन दहाड़े यहाँ पर पहुंचते और लाठी डंडों से हमला करते। इतना ही नहीं, कुहाड़ी से भी हमला किया जाता है जिसमें एक युवक बेहद गंभीर है, उसको रेफर किया गया, 3 अस्पतालों से कल उसको रेफर किया गया और बेहद गंभीर उसकी हालात बने हुए। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में किस कदर बदमाश थे खुबे, क्योंकि आसानी से आते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वही पुलिस की बात करें, पुलिस के हाथ पूरी तरह से अभी खाली है इसमें, क्योंकि तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे थे, पूरा पुलिस अमला मौके पर पहुंचा था, लेकिन अभी कोई बदमाश गिरफ्तार नहीं हो चुका है। बता दें कि पूरा मसला कहीं ना कहीं लगातार रेवाड़ी में इस तरह की वारदात सामने आ रही कि इन इस तरह की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं। इसी तरह की इंसिडेंट भी ये जो रेवाड़ी का पोसवाल चौक है यहाँ पर देखने को मिली गाड़ी में, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से बदमाश जो बाइक गाड़ियों में भरकर आए थे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वारदात के बाद हाथों में लाठी डंडे कुहाड़ी तमाम हथियार थे जो की जानलेवा हमला करने के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल अमित, लेकिन एक बदमाश की पहचान तो यहाँ पर हो गई है, और बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस क्या कह रही है? जी आप बता दें कि जिस दो युवक में जिसमें हमला किया गया था, जो एक युवक है जिसकी हालत ठीक है, उसने उनको पुलिस को बताया है कि इस तरह नाम बताए हैं कुछ, लेकिन अभी पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार कर नहीं कर सके पहचान होने के बावजूद, क्योंकि सभी आरोपी फरार है। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस की तीन टीमें गठित की गई है ताकि, और CIA रेवाड़ी और रेवाड़ी मॉडल टाउन थाना पुलिस तमाम जो टीमें गठित कर आरोपियों की दबिश दी जा रही है ताकि उनको गिरफ्तार की, लेकिन पुलिस के अभी तक हाथ इसमें खाली है। जी चलो ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है।